हाँ जी प्यारे बच्चों, हमारे इस एक्सरसाइज के तीन सम रहते थे और ये 18, 19 और 20 18वां सवाल, इसकी स्टेटमेंट हमारे सामने है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यानी यहाँ से शुरू करते हुए हमने ये देखना है कि बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, एक बार ए केंद्र, इसको केंद्र को लेते हुए, ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, यानी इसका जो ये है ये 0.5, फिर इससे बी को लेंगे, ये एक बार ए को केंद्र लेना ऊपर वाले के लिए और नीचे वाले के लिए बी को केंद्र लेना है। तो इस जो छोटे ये एल वन है इसकी जो त्रिज्या है वो 0.5, ये नीचे वाला ये है इसकी त्रिज्या जो है 1, ऊपर वाले की त्रिज्या एल थ्री की 1.5, L4 की 2, इस तरह से खींचते हुए इसके अंदर 13 क्रमागत वृत्त बनेंगे और इनकी कुल लंबाई आपको ज्ञात करनी है, 13 बनेंगे और कुल लंबाई ज्ञात करनी है। यानी कि हमारे पास जो है, कहने का भाव ये है क्या कि इसमें हमारे पास कुल कितनी अर्धवृत्त हैं, तो अर्धवृत्तों की संख्या, अर्धवृत्तों की संख्या कितनी बनती है, 13 अर्धवृत्त उसने कहा है। और फिर उसके बाद ये कहा है कि पहले की जो है, क्योंकि अर्धवृत्त ऐसे हैं, मैं यहां पे चित्र बना देता हूं, ये मान लिया केंद्र ए और इस केंद्र ए से यहां से शुरू होती है ये, ये ए है और ये बी है और इस प्रकार से ये आगे चलता रहेगा। अब ये जो एल वन है, एल वन ये नीचे वाले को एल टू, ऊपर वाला L3, नीचे वाला L4, इस प्रकार से, और इनकी त्रिज्याएं जो है, इस L1 की ये त्रिज्या जो है, L1 की त्रिज्या 0.5 और L2 की ये त्रिज्या जो है 1, फिर L3 की त्रिज्या 1.5, इसकी त्रिज्या जो है 1.5 और L4 की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, इस तरह से त्रिज्या है। तो हमने इस आखिरी जो 13वां चक्कर होगा उसकी लंबाई, मतलब इसकी कुल लंबाई ज्ञात करनी है आपको। तो आप देखिए पहले अर्धवृत्त की लंबाई कितनी होगी, आपको पता है अर्धवृत्त की लंबाई का सूत्र क्या होता है, अर्धवृत्त की लंबाई यानी परिमाप, आपको पता है 2πr वृत्त का परिमाप होता है, तो अर्धवृत्त का क्या आएगा, पाई आर, और यहां r के स्थान पर क्या है 0.5π, यानी कि आप यूं भी कह सकते हैं कि बटे में अगर इसको हटा दें 10 तो पाई बटे 2 आ जाएगा। L1 अर्धवृत्त हो गई, इसी तरह से L2 अर्धवृत्त की लंबाई, अर्धवृत्त की लंबाई कितना हो जाएगा, पाई गुणा में 1, तो क्या हो जाएगी पाई। L3 की अर्धवृत्त की लंबाई कितनी बन जाएगी, 1.5 गुणा में पाई, यानी 1.5 हटा दीजिए ये 10, 5 × 10 5 × 15, यानी कि 3π/2, यानी एपी हमारा बन गया, इस तरह से बनेगा, क्या बनेगा, पाई बटे 2, फिर पाई, उसके आगे 3π/2, इस तरह चलता रहेगा। कितने पद, 13 पद। तो यहां पर इसका मतलब
अद्वितीय संख्या 13 यानी n का मान तो 13 हो गया। अब आपने क्या निकालना है, Sn निकालना है। Sn कहने का मतलब S13 निकालना है, क्योंकि n 13 पद है यहाँ पे। तो 13/2 दो ए एक स्थान पे यहाँ क्या है π/2 n-1 यानी कि 12 और डी का मान हम निकालें तो यहाँ पे देखिए डी का मान निकलेगा, डी का मान π-π/2 वापिस π/2 ही डी का मान निकलता है तो गुणा में π/2 ये होगा। ये 2 से 2 कट गया और ये 2 से 6 कट गया। तो आप देखिए S13 बराबर है 13/2 गुणा में अंदर क्या आएगा पाई और गुण बेटा यहाँ पे लिखते वक्त थोड़ा सा प्लस, क्योंकि 2a प्लस n-1 इंटू डी तो यहाँ पे पाई बच गया और यहाँ पे 6π तो कितना हो गया ये 13/2 गुणा में 7π। अब आप बच्चों पाई का मान सबको पता है हमें 13/2 गुणा में 7 गुणा में 22/7 पाई का मान रख दिया, 7 से 7 कट गया और 11 ये हो गया। तो ये कितना आ गया हमारा उत्तर 11 3 33 3 11 और 3 14 143 सेंटीमीटर होगा। तो ये उसकी लंबाई रहेगी सर्पिल की कुल लंबाई। इसी तरह से अब अगला सवाल, ये था सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 19 देखिए, 19 में हम अब सवाल नंबर 19 हम सामने लाते हैं। सवाल नंबर 19 में देखिए ये क्या है, लट्ठों के ढेरी के रूप में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 19वां सवाल, इस तरह से लट्ठे हैं ढेरी के, नीचे 20 उसके ऊपर 19 उसके ऊपर 18, इस तरह से 200 लट्ठे होने तक कुल कितनी पंक्तियां बनेंगी ये हमने निकालना है और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे। तो आपने ये चीज़ पहले नीचे 20 उसके ऊपर 19 उसके ऊपर 18 17 16 15 इस तरह से रहेगा ये। तो हम इसमें जो है और योग जो है 200 होना चाहिए। तो इसके लिए हम कैसे वो करेंगे, हम इसको साइड में रख देते हैं। 19वां सवाल है हमारा ये लट्ठे वाला और अब हम इसको करते हैं। देखिए पहली ढेरी में 20, अगली में 19, उससे अगली में 18, ऐसे है ना। तो आप देखिए 20, 19, 18, 17 इस तरह से ये एपी चलती रहेगी, ये एक एपी बन गई। इसमें ए का मान कितना है 20, डी का मान कितना है 19-20 यानी कि -1। एस एन कुल लट्ठों की का योग है 200 लट्ठे होने हैं तो इसका मतलब एस एन 200। तो पहले हम n का मान निकाल लेते हैं। तो आप देखिए एस एन बराबर है n/2 दो ए, ए के स्थान पर क्या आएगा 20 प्लस n-1 क्योंकि n का मान निकालना है इंटू डी, डी की जगह -1 और ये बंद। और यहाँ पे एस एन की बजाय बेटा है 200 तो इसलिए 200 और ये n/2 अंदर हो गया ये 40 और इसको अंदर करेंगे तो गुणा करेंगे -n+1 क्योंकि
माइनस ए की एन से गुणा करेंगे माइनस एन, और माइनस माइनस की करें प्लस। तो ये बन गया हमारा, दो को उठा के आप इधर ले जाइए तो दो उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए दो इधर आएगा सो हो जाएगा। तो हाँ ये क्या बन गया, सॉरी दो को इधर गुणा कर दीजिए तो ये क्या बन गया 400, क्योंकि 200 गुणा में दो 400, और 400 बराबर है n और अंदर है 41 माइनस n। अब आप इसको कीजिए 400, हम इसको अलग वो कर लेते हैं, 400 बराबर है 41 n माइनस n की 2, ये आ गया। और जब हम इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये बनेगा समीकरण n की 2 माइनस 41 n प्लस 400 बराबर है 0। और n का मान अगर हम इसको वो करें n की 2, ये बनेगा हमारा माइनस 25 n माइनस 16 n प्लस 400, क्योंकि 25 और 16 की गुणा 400 होती है और 25 और 16 41 होते हैं। इन पहले दो में से कॉमन ले लो, आखिरी दो में से कॉमन, तो n n माइनस 25 और 16 कॉमन ले लेंगे तो n माइनस 25 बराबर है 0। तो अब आप देखिए n का n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर है 0। तो n का मान क्या आ गया, n का मान आ गया 16 और 25 दो आ गए, यानी 25 पंक्तियां भी हो सकती हैं और 16 भी, क्योंकि n d घटता जा रहा है माइनस का, इसलिए ये दोनों आंसर आए। तो हम इसमें n कौन सा सही है उसके लिए सीधा निकाल सकते हैं, ए एन बराबर आपको पता है क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है। तो ए एन यानी 16 रख लो, ए 16, 16 हो तो क्या बनेगा 16 प्लस, सॉरी आप देखिए ए का मान कितना है, ए का मान हमारा था 20, 20 प्लस 15 गुणा में माइनस 1, तो क्या आ जाएगा ए 16 यानी 16वीं ढेरी में कुल 20 माइनस 15 यानी कि ऊपर 16वीं लाइन के अंदर 5 होंगे। अगर हम इसको 25 रखें तो एन का मान, n का मान कितना रखें, n बराबर 25 रखें तो a 25 क्या आता है, देखिए a की जगह 20 प्लस 25 की बजाय 24 गुणा में माइनस 1, और ये आ गया माइनस 4, जो संभव नहीं है, संभव नहीं, क्योंकि जो पंक्तियां हैं वो माइनस में नहीं हो सकती, तो सॉरी जो ऊपर लोग हैं लट्ठे हैं वो माइनस में नहीं हो सकते, लट्ठे माइनस में नहीं हो सकते, लट्ठे 5 हो सकते हैं लेकिन लट्ठे माइनस 4 नहीं हो सकते, इसलिए पंक्तियां 25 नहीं होंगी, पंक्तियां कितनी होंगी 16, और ऊपर वाली में कितने होंगे 5। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि इसमें सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो इसका मतलब सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे 5 लट्ठे होंगे। ये हमारा 19वां सवाल, और इसके बाद 20वां सवाल हमारा, बीसवें सवाल को देखिए हम इसको यहाँ ले आते हैं, 20वां सवाल इस अगली उसमें करना पड़ेगा बच्चों, बीसवां सवाल की स्टेटमेंट हम देखते हैं, ये 20वें सवाल की स्टेटमेंट हमारे सामने दोनों दो पेज पर है, इस करके हमें थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। इसमें देखिए एक आलू दौड़ की प्रारंभिक स्थान पर, जैसे यहाँ पे एक बाल्टी रखी है
आलू दौड़ है यहाँ पे, इस इन्होंने जो है 10 आलू रखे हैं, एक 5 मीटर पे, दूसरा अगला 3 मीटर पे, उससे अगला 3 मीटर पे, यानी कि आगे 3-3 मीटर का गैप है। पहला 5 मीटर पे है तो बाल्टी से, और दूसरा फिर इसका मतलब बाल्टी से 8 मीटर है, फिर अगला बाल्टी से 11 मीटर है, यानी कि प्रत्येक की 3-3 मीटर की दूरी है। तो लड़की जाती है और आलू उठा के बाल्टी में डालती है, फिर जाती है आलू उठा के बाल्टी में डालती है। तो इस प्रकार से उसको कितना उस ये बताने कि इसको जो है जब तक बाल्टी में ना जाए तो प्रतियोगी कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ी, मतलब कुल उसको कितना दौड़ना पड़ा। तो पहले आलू के लिए देखिए, प्रथम पहले आलू के लिए तय दूरी कितनी बन रही है, 5, यहाँ से जाएगी 5 मीटर फिर वापस आएगी, तो यानी कि 2 × 5 बराबर है 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए तय दूरी, दूसरे के लिए क्या आएगी, दूसरे आलू के लिए तय दूरी कितनी आ जाएगी, यहाँ से दूसरा आलू ये रहा तो यहाँ पर 8 मीटर की दूरी पर है, तो 2 × 8 कितना हो जाएगा, 16 मीटर जाएगी। तीसरे आलू के लिए तय दूरी इसी तरह से, तीसरे के लिए तय दूरी कितनी हो जाएगी, 2 × कितनी दूर जाएगी, 5 × 3 = 8 × 3 = 11 मीटर जाएगी, तो 11 × 2 = 22। इस प्रकार से ये दूरी हो गई हमारा, अगर हम देखें इसको तो कैसे दूरी बनी है, तो हमारी दूरियां बनी है 10, 16, 22 और इस तरह से कुल 10 पद बनेंगे, क्योंकि 10 आलू हैं तो 10 पद बनेंगे। तो आप ए का मान देखिए यहाँ पे कितना है 10, डी का मान कितना है 16 - 10 = 6, एन का मान हमें पता है कितना बन रहा है 10 बन रहा है, तो हमें कुल दूरी निकालनी है। तो आप देखिए सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, तो हमें इसका निकालना क्या है, मैं सिंपल सी बात है, इसका क्या निकालना है, एस एन निकालना है 10 के लिए, और एस एन निकाल दीजिए, एस 10 यानी कि 10/2, 2 × 1 के स्थान पर 10 प्लस 9 × 6, तो कितना आ जाएगा, 2 से ये कट गया 5, तो 5 और 20, 9 × 6 = 54, तो 20 और 74, 5 × 74 तो कितना उत्तर आ जाएगा, 5 × 20, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, उसको 370 मीटर की कुल दूरी तय करनी पड़ेगी उन सभी आलुओं के लिए। तो यही ये प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। हैव ए नाइस डे, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।